देश के अन्नदाता किसानों से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने 3 दिवसीय इस चर्चा को इस सदन में करवाया है और मान्य नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कुल 33 सदस्यों ने अब तक इसमें चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी मान्य सदस्यों और दलीय नेताओं का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नेता विरोधी दल के विचारों को मैं सुन रहा था, पूरा सदन भी सुन रहा था। और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया। और ये चीज दिखाती है मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही, महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदि हैं वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। ओह मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं। वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे, और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था कि किसी से छुपा हुआ नहीं। ये तो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। महोदय महान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेत और खलियानों से होकर के जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बातों को वास्तव में समाजवादी पार्टी ने अपने कालखंड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की होती। और मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बातों के साथ ही महान साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जिन्हें ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, और वह देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थी कि हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया पाक यार,
हे ग्राम देवता नमस्कार। ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयांतर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल, उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत शान होती है, आपके साथ अन्याय हुआ है हम जानते हैं। और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं, नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। और महोदय, मैं यहीं से प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बारे में मैं आऊंगा, जो नेता विरोधी दल ने जो बातें रखी उन सब पे चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बाढ़ और सूखा की स्थिति, जो माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, उन सब पर एक एक करके अगर हम चर्चा करें, और बाद में मैं इन सभी मुद्दों पर भी जवाब दूंगा तो नेता विरोधी दल ने यहां पर रखे थे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन अगर हम देखेंगे तो अमूमन 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाता था और हमारे अन्नदाता किसान उसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी करते रहे हैं।